वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित पंजाब के राज्यपाल बीपीसी बडनौर जी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हम सभी के श्रद्धे प्रकाश सिंह बादल जी, एसजीपीसी के प्रेसिडेंट गोविंद सिंह लौंगेवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, पंजाब सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। मैं आप सभी को, पूरे देश को, दुनिया भर में बसे सिख भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने मुझे कौमी सेवा पुरस्कार भी दिया। ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव हमारी महान संत परंपरा के तेज, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। मैं इस पुरस्कार को, इस सम्मान को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आज इस पवित्र भूमि से गुरु नानक साहब के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। साथियों, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, करतारपुर साहब कॉरिडोर, इसका आरंभ होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व इस बार देव दीपावली और जगमग होकर के हमें आशीर्वाद देगी। भाइयों और बहनों, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। मैं पंजाब सरकार का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कॉरिडोर को तय समय में बनाने वाले हर श्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी तेजी से
अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे बोल, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। जब गुरु नानक देव यहां सुल्तानपुर लोधी से यात्रा पर निकले थे तो किसे पता था कि वो युग बदलने वाले हैं। उनकी वो उदासियां, वो यात्राएं, संपर्क, संवाद और समन्वय इससे सामाजिक परिवर्तन की बेहतरीन मिसाल है। अपनी यात्राओं का मकसद स्वयं गुरु नानक देव जी ने बताया था, बाबे आखिया नाथ जी सचू चंद्रमा कुड़ू अंधारा, कुड़ू अमावसी बरतिया हम भालण चढ़िया सांसरा। साथियों, वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार की जो अमावस्या छाई हुई थी उससे बाहर निकालने के लिए निकल पड़े थे। गुलामी के उस कठिन कालखंड में भारत की चेतना को बचाने के लिए, जगाए रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, एक तरफ गुरु नानक देव जी ने सामाजिक दर्शन के जरिए समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की भेंट दी जो सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान पर टिकी है। उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी से किए गए विकास से हमेशा तरक्की और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने सीख दी कि धन तो आता जाता रहेगा पर सच्चे मूल्य हमेशा रहते हैं। उन्होंने सीख दी है कि अगर हम अपने मूल्यों पर अड़िग रहकर काम करते हैं तो समृद्धि स्थायी होती है। भाइयों और बहनों, करतारपुर सिर्फ गुरु नानक देव जी की कर्मभूमि नहीं है, करतारपुर के कण कण में गुरु नानक देव जी का उस पसीने किया महक मिली हुई है, उसकी वायु में उनकी वाणी घुली हुई है। करतारपुर की धरती पर ही हल चलाकर उन्होंने अपने पहले नियम कीरत करो का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी धरती पर उन्होंने नाम जपो की विधि बताई और यहीं पर अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल को मिल बांटकर खाने की रीत भी शुरू की, वंड छको का मंत्र दिया।
साथियों, इस पवित्र स्थली के लिए हम जितना भी कुछ कर पाएंगे उतना कम ही रहेगा। ये कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा करेगा, उन्हें गुरुद्वारा दरबार साहब के करीब ले जाएगा। कहते हैं शब्द हमेशा ऊर्जा बनकर वातावरण में विद्यमान रहते हैं। करतारपुर से मिली गुरुवाणी की ऊर्जा सिर्फ हमारे सिख भाई बहनों को ही नहीं बल्कि हर भारतवासी को अपना आशीर्वाद देगी। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के दो बहुत ही करीबी अनुयायी थे, भाई लालो और भाई मर्दाना। इन होनहारों को चुनकर नानक देव जी ने हमें संदेश दिया कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता और सबके सब बराबर होते हैं। उन्होंने सिखाया है कि बिना किसी भेदभाव के जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो प्रगति होना पक्का हो जाता है। भाइयों और बहनों, गुरु नानक जी का दर्शन केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं था। करतारपुर में ही उन्होंने प्रकृति के गुणों का गायन किया था। उन्होंने कहा था, पवणु गुरु पाणी पिता माता धरती महतु, यानी हवा को गुरु मानो, पानी को पिता और धरती को माता के बराबर महत्व दो। आज जब प्रकृति के दोहन की बातें होती हैं, पर्यावरण की बातें होती हैं, प्रदूषण की बातें होती हैं, तो गुरु की ये वाणी ही हमारे आगे के मार्ग का आधार बनती है। साथियों, आप सोचिए हमारे गुरु कितने दीर्घ दृष्टा थे कि जिस पंजाब में पंजाब पांच नदियां बहती थी, उनमें भरपूर पानी रहता था, तब यानी पानी लबालब भरा हुआ था, तब गुरुदेव ने कहा था और उन्होंने पानी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, पहला पानी जियो है, जीत हरिया सबको है, यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। सोचिए सैकड़ों साल पहले ये दृष्टि, भविष्य पर ये नजर। आज भले हम पानी को प्राथमिकता देना भूल गए, प्रकृति पर्यावरण के प्रति लापरवाह हो गए, लेकिन गुरु की वाणी बार बार यही कह रही है कि वापस लौटो, उन संस्कारों को हमेशा याद रखो जो इस धरती ने हमें दिए हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें दिए हैं। साथियों, बीते पांच सालों से हमारा ये प्रयास रहा है कि भारत को हमारे समृद्ध अतीत ने जो कुछ भी सौंपा है उसको संरक्षित भी किया जाए और पूरी दुनिया तक पहुंचाया भी जाए। बीते एक वर्ष से गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के समारोह चल रहे हैं, वो इसी सोच का हिस्सा है। इसके तहत पूरी दुनिया में भारत के उच्चायोग और दूतावास विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं,
गुरु नानक देव जी उनकी स्मृति में स्मारक सिक्के और स्टैंप भी जारी किए गए हैं। साथियों, बीते एक साल से देश और विदेश में कीर्तन, कथा, प्रभात फेरी, लंगर जैसे आयोजनों के माध्यम से गुरु नानक देव की सीख का प्रचार किया जा रहा है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव को भी इसी तरह भव्यता के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया था। पटना में हुए भव्य कार्यक्रम में तो मुझे खुद जाने का सौभाग्य भी मिला था। उस विशेष अवसर पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए थे। गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति और उनका संदेश अमर रहे इसके लिए गुजरात के जामनगर में 750 बेड का आधुनिक अस्पताल भी उन्हीं के नाम से बनाया गया है। भाइयों और बहनों, गुरु नानक जी के बताए रास्ते से दुनिया की नई पीढ़ी भी परिचित हो इसके लिए गुरुवाणी का अनुवाद विश्व की अलग अलग भाषाओं में किया जा रहा है। मैं यहां यूनेस्को का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिसने केंद्र सरकार के आग्रह को स्वीकार किया, यूनेस्को द्वारा भी गुरु नानक देव जी की रचनाओं को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने में मदद की जा रही है। साथियों, गुरु नानक देव और खालसा पंथ से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा मिले इसके लिए ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में चेयर्स की स्थापना की गई है। ऐसा ही प्रयास कनाडा में भी हो रहा है। इसी तरह अमृतसर में इंटरफेथ यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का भी फैसला लिया गया है ताकि सद्भाव और विविधता के प्रति सम्मान को और प्रोत्साहन मिले। भाइयों और बहनों, हमारे गुरुओं से जुड़े अहम स्थानों में कदम रखते ही उनके विरासत से साक्षात्कार हो, नई पीढ़ी से उनका जुड़ाव आसानी से हो, इसके लिए भी गंभीर कोशिशें हो रही है। यहीं सुल्तानपुर लोधी में आप इन कोशिशों को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम चल रहा है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हो, म्यूजियम हो, ऑडिटोरियम हो, ऐसे अनेक काम यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर जल्द पूरे होने वाले हैं। यहां के रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के अन्य क्षेत्रों में गुरु नानक देव जी की विरासत हमें देखने को मिले, ये कोशिश भी की जा रही है। गुरु नानक देव जी से जुड़े तमाम स्थानों से होकर गुजरने वाली एक विशेष ट्रेन भी हफ्ते में 5 दिन चलाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी ना हो। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ने देश भर में स्थित सिखों के अहम स्थानों के बीच कनेक्टिविटी को सशक्त करने का भी प्रयास किया है। श्री अकाल तख्त, दमदमा साहब, केसगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहब के बीच रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। अमृतसर और नांदेड़ के बीच विशेष फ्लाइट की भी अपनी सेवा शुरू हो चुकी है। ऐसे ही अमृतसर से लंदन के लिए जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक ओमकार के संदेश को भी अंकित किया गया है। साथियों, केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसका लाभ दुनिया भर में बसे अनेक सिख परिवारों को हुआ है।
कई सालों से कुछ लोगों को भारत में आने पर जो दिक्कत थी अब उन दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। इस कदम से अब अनेक परिवार वीजा के लिए ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वो यहां भारत में अपने रिश्तेदारों से आसानी से मिल सकेंगे और यहां गुरुओं के स्थानों में जाकर अरदास भी कर पाएंगे। भाई और बहनों, केंद्र सरकार के दो और फैसलों से भी सिख समुदाय को सीधा लाभ हुआ है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के हटने से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सिख परिवारों को वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं। अभी तक वहां हजारों ऐसे परिवार थे जो अनेक अधिकारों से वंचित थे। इसी प्रकार सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, उसमें संशोधन का भी बहुत बड़ा लाभ हमारे सिख भाई बहनों को भी मिलेगा। उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। साथियों, भारत की एकता, भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक हर गुरु साहब ने निरंतर प्रयास किए हैं, अनेक बलिदान दिए हैं। इसी परंपरा को आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की रक्षा में सिख साथियों ने पूरी शक्ति से निभाया है। देश के लिए बलिदान देने वाले साथियों के समर्पण को सम्मान देने के लिए भी अनेक सार्थक कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं। इसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इससे जुड़े स्मारक को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा सिख युवाओं के स्कूल स्किल और स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीते 5 वर्ष में करीब 27 लाख सिख स्टूडेंट्स को अलग अलग स्कॉलरशिप दी गई है। भाइयों और बहनों, हमारी गुरु परंपरा, संत परंपरा, ऋषि परंपरा ने अलग अलग कालखंड में अपने अपने हिसाब से चुनौतियों से निपटने के रास्ते सुझाए हैं। उनके रास्ते जितने तब सार्थक थे उतने ही आज भी अहम है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के प्रति हर संत हर गुरु का आग्रह रहा है। अंधविश्वास हो, समाज की कुरीतियां हो, जाति भेद हो, इसके विरुद्ध हमारे इन संतों ने गुरुओं ने मजबूती से आवाज बुलंद की है। साथियों, गुरु नानक जी कहा करते थे, बिच दुनिया से भी कमाइए, बिच दुनिया से भी कमाइए तो दरगी बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही मोक्ष मिलता है, जीवन सफल होता है। आइए इस अहम और पवित्र पड़ाव पर हम संकल्प लें कि गुरु नानक जी के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम समाज के भीतर सद्भाव पैदा करने के लिए हर कोशिश करेंगे। हम भारत का अहित सोचने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। नशे जैसी समाज को खोखला करने वाली आदतों से हम दूर रहेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दूर रखेंगे। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास के पथ को सशक्त करेंगे। गुरु नानक जी की यही प्रेरणा मानवता के हित के लिए, विश्व की शांति के लिए आज भी प्रासंगिक है। नानक नाम चढ़दी कला,
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। साथियों, एक बार फिर आप सभी को, पूरे देश को, संपूर्ण विश्व में फैले सिख साथियों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर और करतारपुर साहब कॉरिडोर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़े होकर के इस पवित्र कार्य में हिस्सा बनने का अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य मानते हुए, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु।